दोस्तों, ओला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च किया है, ओला रोडस्टर। यूनिक डिजाइन है, बढ़िया रेंज, मस्त फीचर लोडेड तो है ही, बट जो प्राइस उन्होंने रखा है, पूरा टू व्हीलर मार्केट मानो हिल सा गया है। सिर्फ 75,000 रुपए से ओला रोडस्टर का प्राइस स्टार्ट होता है। हमेशा की तरह प्राइस वार तो छेड़ ही दिया है ओला ने, बट इस बार जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड से नहीं, पेट्रोल बाइक्स भी इस प्राइस वार के चपेट में आ गए हैं। तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है बाइक, नॉर्मल रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स सब शोकेस किया गया है, और हम इस वीडियो में हर एक वेरिएंट्स को डिटेल से समझेंगे। रेंज, फीचर्स, प्राइस सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही एंड में ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे ओला इलेक्ट्रिक इतने कम प्राइस में अपने बाइक्स को लॉन्च कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, पूरा एंड तक देखो वीडियो, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो नोटिफिकेशन वाला घंटा भी बजा दो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटो रश। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरोजित। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे। सो गाइस, रोडस्टर का जो पहला वेरिएंट है वो है रोडस्टर एक्स। सबसे चीपेस्ट वेरिएंट है ये, डिजाइन लगभग सिमिलर है सभी वेरिएंट्स का, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इस वेरिएंट का डिजाइन थोड़ा सिंपल रखा गया है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है। सस्पेंशन आपको मिलेगा फ्रंट में ट्विन टेलीस्कोपिक फोक्स एंड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स एट द रियर। सीट भी सिंपल सीट है इस वेरिएंट में, स्टेप अप या स्प्लिट सीट्स नहीं मिलेगा। फीचर्स आपको इसमें थोड़े बेसिक से मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दी अदर वेरिएंट्स। लाइक आपको मिलेगा 4.3 इंच एलसीडी डिस्प्ले, टच स्क्रीन नहीं होगा बट विद कनेक्टिविटी फीचर्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मूव वॉइस 5 के साथ आएगा, एडवांस रीजन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, टीपीएमएस, फॉल डिटेक्शन, जियो फेंसिंग जैसे सारे जरूरत के फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तीन राइड मोड्स मिलेंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। रोडस्टर एक्स में 11 किलोवाट का मोटर मिलता है जो 0 to 40 मात्र 2.8 सेकंड्स में अचीव कर लेता है। फास्ट है भाई, डेफिनेटली नॉट अ स्लो मशीन। अब आते हैं रेंज और प्राइस पर। तो ये जो वेरिएंट है रोडस्टर एक्स, ये तीन डिफरेंट बैटरी पैक्स में अवेलेबल है। पहला है 2.5 किलोवाट आवर, क्लेम रेंज इज 117 किलोमीटर, चार्जिंग टाइम 3.3 आवर्स, टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर। इसका प्राइस है 75,000। देन आता है 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 160 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज है, 4.5 आवर्स चार्जिंग टाइम, थोड़ा ज्यादा टॉप स्पीड है 117 किलोमीटर पर आवर, और इसका प्राइस है 85,000। इसके बाद है 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसमें मिलेगा 200 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज, चार्जिंग टाइम 6 आवर्स, बड़ा बैटरी पैक है, ज्यादा टाइम तो लेगा ही चार्ज होने में, और टॉप स्पीड है इसका 124 किलोमीटर पर आवर। एक्स शोरूम प्राइस इज 1 लाख। रोडस्टर एक्स वेरिएंट की डिलीवरीज जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे वेरिएंट का नाम है रोडस्टर। ये मिड वेरिएंट है विथ मोर पावर, मोर फीचर्स एंड ऑब्वियसली मोर रेंज। ये वेरिएंट देखने में एक्स वेरिएंट से ज्यादा मैच्योर्ड है, बल्कि है। अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी डिफरेंट है, स्टेप अप सीट्स मिलते हैं इसे, फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं विथ सिंगल चैनल एबीएस व्हिच इज गुड, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स एंड मोनोशॉक सस्पेंशन एट द रियर। लिस्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। 6.8 इंच का बढ़िया टच स्क्रीन टीएफटी डिस्प्ले विद कनेक्टिविटी फीचर्स, मूव वॉइस 5 तो रहेगा ही, ऑटो हिल होल्ड, 4 राइडिंग मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर, कृत्रिम वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट पार्क असिस्ट, ग्रुप नेविगेशन जैसे एडवांस्ड फीचर्स, और एक कस्टम मोड भी मिलेगा जिसमें आप अपने राइडिंग स्टाइल के अनुसार पावर, थ्रॉटल सेंसिटिविटी, रीजन वगैरह कस्टमाइज कर पाओगे। रोडस्टर वेरिएंट में आपको पावरफुल मोटर मिलेगा 13 किलोवाट का, जिससे 0 टू 40 आप 2.6 सेकंड्स में अचीव कर पाओगे। इस वेरिएंट में भी तीन बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज 3.5 किलोवाट आवर, क्लेम रेंज 151 किलोमीटर, चार्जिंग टाइम 4.6 आवर्स, टॉप स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 1,05,000। दूसरा बैटरी ऑप्शन है 4.5 किलोवाट आवर, 190 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज, चार्जिंग टाइम 6 आवर्स, 126 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, and its price is 1,20,000। और इसमें तीसरा बैटरी ऑप्शन मिलता है 6 किलोवाट आवर का, क्लेम रेंज 248 किलोमीटर, चार्जिंग टाइम 8 आवर्स, टॉप स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर, और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000। इस वेरिएंट के सभी मॉडल्स की डिलीवरीज भी जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी एक्स वेरिएंट के साथ। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द रेंज टॉपिंग वेरिएंट रोडस्टर प्रो। ये वेरिएंट सबसे डिफरेंट है, सबसे फ्यूचरिस्टिक। ऑल्दो सेम डिजाइन लैंग्वेज है सभी वेरिएंट्स का, बट स्टिल इट्स अ लॉट डिफरेंट देन द अदर्स। लाइक इसमें आपको स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, वाइट टायर्स, सिंगल साइड स्विंग आर्म व्हिच इज लुकिंग ऑसम,
टेल टाइडी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लुक एट दिस मीन मशीन, डजंट इट लुक ट्रैक रेडी। फ्रंट में डबल डिस्क ब्रेक्स, सिंगल डिस्क एट द रेयर विद डुअल चैनल एबीएस एंड एबीएस मोड्स एज वेल। और सबसे खास बात, इसमें अडास फीचर्स भी मिलेंगे। हाँ भाई, बाइक में अडास लाइक कोलाइजन अलर्ट, राइड असिस्टेंस, व्हीली एंड स्टॉपिंग प्रिवेंशन और भी ढेर सारे अडास फीचर्स रहेंगे। और भी कई प्रीमियम फीचर्स रहेंगे इसमें, लाइक कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, हीटेड सीट, हीटेड ग्रिप्स, 10 इंच टच स्क्रीन विद फुल नेविगेशन, इंफोटेनमेंट फीचर्स लाइक गेम्स एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, रेस मोड फॉर ट्रैक डेज एंड ऑल द फैंसी फीचर्स यू कैन थिंक ऑफ। इस वेरिएंट में दो बैटरी ऑप्शंस मिलेगा आपको। पहला है 8 किलोवाट आवर, इसका प्राइस होगा 2 लाख। इस पर्टिकुलर बैटरी पैक में क्या रेंज होगा, चार्जिंग टाइम वगैरह अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, मे बी बाद में डिस्क्लोज करेंगे। और दूसरा जो बैटरी ऑप्शन मिलेगा इस वेरिएंट में, वो है 16 किलोवाट आवर का मैसिव बैटरी पैक। 580 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज रहेगा, 7.5 आवर्स में चार्ज हो जाएगा, 52 किलोवाट पीक पावर, 194 किलोमीटर पर आवर का माइंड ब्लोइंग टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन भी बहुत फास्ट होगा, 0-40 इन ओनली 1.2 सेकंड्स, एंड प्राइस 2,50,000। ये वेरिएंट तो सीधा अल्ट्रा वायलेट को टक्कर देने वाला है भाई, बट प्रो वेरिएंट के डिलीवरी स्टार्ट होने में वक्त लगेगा, मे बी 2025 एंड तक डिलीवरी स्टार्ट हो। अभी इसके सारे फीचर्स और स्पेक्स को भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, आई एम श्योर बाद में इसे डिस्क्लोज किया जाएगा। बट एक बात तो है, जबरदस्त है ये वेरिएंट, पावर, रेंज, फीचर्स, हर एक चीज में जबरदस्त है। अब दोस्तों, आप में से बहुत को ये कमेंट करते दिखे कि ओला अपने बाइक्स को इतने कम प्राइस में लॉन्च कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो, कोई भी ईवी में, चाहे वो फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर, जो सबसे महंगा कंपोनेंट लगता है वो है बैटरी, क्योंकि बैटरी सेल्स जो आते हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो प्राइस बढ़ जाता है। अब ओला यहाँ क्या कर रहा है कि वो अपना कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। वो अब बैटरीज, लिथियम बैटरी सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है भारत सेल्स। तो जब सेल्स वो खुद बनाएंगे तो बैटरी पैक का कॉस्ट भी ऑब्वियसली घटेगा, राइट? अ क्विक फैक्ट दोस्तों, नेक्स्ट 4-5 सालों में लिथियम सेल्स, लिथियम बैटरी पैक्स के प्राइस और भी कम होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में लिथियम का भंडार मिला है, बहुत जल्द लिथियम माइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। इससे हो गई है कि हमें लिथियम बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने देश में लिथियम, अपने मैन्युफैक्चरर्स, तो ऑब्वियसली प्राइस घटेगा बैटरी पैक्स का, और बैटरी पैक्स के प्राइस घटे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी सस्ते हो जाएंगे। है ना मजे की बात, मतलब हमें फ्यूचर में और भी कम प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल सकता है। चलो वीडियो टॉपिक पर लौटते हैं। सो गाइस, ओला जो है अपने अग्रेसिव प्राइसिंग से कंपटीशन ही खत्म करने की कोशिश में है। लाइक उनका जो एक्स वेरिएंट है, रोडस्टर एक्स, इसके लॉन्च होने से छोटे मोटे जो ब्रांड्स इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रहे थे उनका मार्केट तो गया। इनफैक्ट एक्स वेरिएंट से ओला एंट्री लेवल पेट्रोल कम्यूटर बाइक मार्केट में भी थोड़ा बहुत असर तो डालेगा, क्योंकि 75,000 इज रियली अ गुड डील। बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक का क्या होगा पता नहीं। दूसरा जो वेरिएंट है रोडस्टर, वो रिवोल्ट, ओबेनरोर और सिमिलर ब्रांड्स को कम्पीट करेगी, और प्रो वेरिएंट हेड ऑन अल्ट्रा वायलेट को कम्पीट करेगी। बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है ये नेक्स्ट 1-2 साल, प्राइस वार डेफिनेटली देखने को मिलेगा हमें ईवी टू व्हीलर स्पेस में। बट अगेन, सबसे बड़ा जो सवाल आता है ओला इलेक्ट्रिक के साथ, वो है इसका सर्विस। लॉन्च इवेंट के दौरान भी मैंने देखा यूट्यूब लाइव वीडियो पर कि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर्विस का क्या, सर्विस तो ठीक करो, ऐसे बहुत से कमेंट्स थे। तो ये एक मुद्दा तो है, ओला को अपना सर्विस ठीक करने की जरूरत है, सर्विस में अभी बहुत काम करना है इस ब्रांड को। वो जिस तेजी से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा उस तेजी से सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो। काम हो रहा है, नए नए सर्विस पॉइंट्स ओपन किए जा रहे हैं, बट थोड़ा स्लो है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओला रोडस्टर से रिलेटेड अब भी कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो आपके मन में जो मुझसे इस वीडियो में मिस हो गया है, तो कमेंट करो। वीडियो यहां तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर कर देना, किसी के काम आ जाएगी। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर ऑटोमोटिव कंटेंट्स। सो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड कीप वॉचिंग मोटोरश। बाय।